बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने सबक नंबर 7 माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव का वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आप लोगों ने पिछली जमात में तज़िए की बिना पर जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि तज़िए की बिना पर जानदारों को हमने किन ग्रुपों में तकसीम किया था, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि हमने जानदारों को तज़िए की बिना पर खुद कफील, गैर खुद कफील, गंदखोर और तज़ियाकार इन ग्रुपों में तकसीम किया है। बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम सार्कन की मुख्तलिफ सतहों का मुताला करते हैं। सबसे पहले आते हैं इब्तदाई सार्कन। ये हैवानात सब्जी खोर होते हैं और बराह रास्त नबातात को ही अपनी गिज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी ये हैवानात नबातात को खाने का काम करते हैं। मसलन नाकतोड़ा, गिलहरी और हाथी वगैरह। इनके बाद आते हैं सानवी सार्पेन। ये हैवानात गोश्त खोर होते हैं और सब्जी खोर या इब्तदाई सार्पेन को अपनी गिज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन मेंढक, उल्लू, लोमड़ी वगैरह। सानवी सार्पेन के बाद आला सार्पेन आते हैं। ये हैवानात भी गोश्त खोर होते हैं और सानवी सार्पेन को अपनी गिज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। माहौली निज़ाम में इन हैवानात का शिकार कोई नहीं करता। मसलन शेर, जिसे कोई भी दूसरा जानदार शिकार करके अपनी गिज़ा हासिल नहीं करता। अब सार्पेन के ताल्लुक से हमने ये तो देखा है कि वो सब्जी खोर होते हैं या गोश्त खोर होते हैं। जरा सोचिए और बताइए कि क्या कोई हैवान ऐसा भी है जो नबातात और हैवानात दोनों ही को अपनी गिज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है? जी बिल्कुल, इंसान एक ऐसा हैवान है जो सब्जी खोर भी होता है और गोश्त खोर भी होता है। यानी ये नबातात और हैवानात दोनों ही से अपनी गिज़ा हासिल करता है। इस तरह के हैवानात को हम हमा खोर कहते हैं। कुछ गिलहरियाँ और कुछ चूहे ऐसे हैं जो हमा खोर हैं। यानी ये नबातात और हैवानात दोनों ही से अपनी गिज़ा हासिल करते हैं।